नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने कुछ समय पहले एक ज्वेलरी शोरूम की विजिट की थी। उनका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा था। लगभग 3 साल पहले उन्होंने शोरूम की ओपनिंग की और शोरूम के खर्चे ही बड़े मुश्किल से निकल रहे थे। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा उनके यहाँ कुछ ऐसे मेजर वास्तु दोष थे जिसकी वजह से उनका शोरूम अच्छा चल ही नहीं सकता था। यदि आपकी कोई शॉप है, शोरूम है और अच्छी नहीं चल रही, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिस ज्वेलरी शोरूम की मैंने विजिट की, वो वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी था। उसके अंदर कहाँ पर क्या मेजर कमियाँ थी जिसकी वजह से वो शोरूम अच्छा नहीं चल रहा था, यानी शोरूम के खर्चे भी बड़े मुश्किल से मीट हो रहे थे। जो शोरूम मैंने देखा वो वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी था। शोरूम की जो एंट्रेंस वो वेस्ट सेंटर यानी पश्चिम दिशा के मध्य भाग से थी, जो कि बहुत अच्छी है। शोरूम की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और जो गहराई है वो थोड़ी सी कम है। तो ऐसे में उन्होंने यू शेप में काउंटर लगाया हुआ था और एक एंट्रेंस काउंटर से अंदर आने की नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से बनाई हुई है और एक ठीक मेन गेट के सामने से ईस्ट से एंट्रेंस बनाई हुई है, जो कि ईस्ट वाली एंट्रेंस तो अच्छी है और नॉर्थ वेस्ट वाली एंट्रेंस बिल्कुल गलत है। इसी के साथ इसके अंदर और क्या कमी थी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर स्पोर्ट की दिशा मानी जाती है। जीवन में सफलता के रास्ते दिलाती है, जीवन में कामयाबी दिला देती है। यदि नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष हो जाता है तो वहाँ पर काम अच्छा नहीं चलता, बार बार धोखे मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी साइट का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ उनके यहाँ और मेजर कमी क्या थी, उन्होंने अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सेफ रखी हुई थी, तिजोरी रखी हुई थी, जिसका वजन लगभग 1 टन के आसपास था। नॉर्थ ईस्ट जोन में वास्तु पुरुष का सिर आता है और यहाँ पर वजन बढ़ जाता है तो उस जगह वर्किंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ये मान के चलिए जितना वजन पूरी दुकान में फर्नीचर का है, उससे ज़्यादा वजन अकेला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ गया है, जिसकी वजह से कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे हल्की दिशा होती है और यहाँ पर वजन आ जाता है तो वहाँ पर काम चलने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती है। और इसी के साथ सेफ के साथ यहाँ पर शोरूम के ओनर भी बैठे हुए हैं, जो कि वेस्ट की ओर फेस करते हैं। ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। बाकी का सेटअप तो लगभग ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने ध्यान रखना है, यदि आपका कोई शोरूम है और इस प्रकार से आपने सेटअप किया हुआ और आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए मैंने उनको क्या उपाय बताए, जो उपाय मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से सेफ हटवा कर सेफ साउथ वेस्ट में, साउथ की दीवार पर यहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हैं या वेस्ट की दीवार के साथ आप यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं, जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी, और साउथ वॉल पर लगाते हैं तो वो नॉर्थ की ओर ओपन होगी। यहीं पर शोरूम के ओनर की सीटिंग बनानी है, यहाँ पर शोरूम के ओनर की सीटिंग आ जाती है और सेफ साउथ वेस्ट जोन में आ जाती है, तो ये मान के चलिए 50% काम उस शोरूम के अंदर आ जाता है। क्योंकि साउथ वेस्ट में जब भी वजन बढ़ता है, ये हकीकत है, नोटिस कीजिएगा, जिस भी जगह के साउथ वेस्ट जोन में नैऋत्य कोण में वजन बढ़ता है वहाँ पर कामयाबी मिल जाती है, उस जगह में काम आ जाता है। और जिस जगह के साउथ वेस्ट कॉर्नर में वजन नहीं होता, हल्का रह जाता है, बाकी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में वजन होता है और साउथ वेस्ट जोन खाली होती है, उस जगह कभी भी काम अच्छा नहीं चलता, वहाँ बार बार परेशानी आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप यदि आपने भी अपनी तिजोरी नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है तो उस तिजोरी को उठाकर साउथ वेस्ट में रखें, साउथ वेस्ट में वजन बढ़ाएं, और जब साउथ वेस्ट में वजन बढ़ता है तो कामयाबी अपने आप मिल जाती है। इसी के साथ जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बड़ा हुआ था उसके लिए मैंने जो उपाय बताया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक सिल्वर कलर की 6 पाइपों वाली वेंट चैम लगाने के लिए कहा। आपके यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है तो आप भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक सिल्वर कलर की 6 पाइपों वाली वेंट चैम लगा सकते हैं। और मैंने वहाँ पर लुकिंग मिरर लगाने के लिए भी कहा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट एरिया कम है। वेस्ट की वॉल बिल्कुल सीधी है, साउथ की वॉल भी सीधी है और ईस्ट की वॉल भी सीधी है, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री है,
साउथ ईस्ट कॉर्नर भी 90 डिग्री है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस है। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट का एरिया कम हो जाता है और नॉर्थ वेस्ट का एरिया बढ़ जाता है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया कम है, यहाँ पर आपने एक 90 डिग्री में लुकिंग मिरर लगाना है, फ्रेम बनवा कर लकड़ी का, उसके ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री में लुकिंग मिरर लगाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि जो शोरूम है उस शोरूम के अंदर वर्किंग अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और मेरी इस वीडियो को अपने परिवार को भी अच्छे तरीके से दिखाएं। आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।